तेजस्वी यादव, वेलकम टू जब वी मेट। थैंक यू, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई मर्तबा यहाँ आए हैं आपके पिताजी के साथ, हमने उनकी कैंपेनिंग देखी है जी। इस दफा आपके साथ जा रहे हैं, दोज आर बिग शूज टू फिल, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। हाँ, वाकई में बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे पिता का ना होना पहला ऐसा चुनाव होगा मेरे ख्याल से अब तक का, जिसमें पिताजी जो हम लोगों के साथ फिजिकली तौर पे नहीं रहेंगे। जहाँ पे बिहार में मैं बातचीत कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि चुनाव का वो जोश नहीं दिख रहा, साइलेंट सा चुनाव हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये लोग जो हैं काफी परेशान हैं, दुखी हैं। पीपल दे आर फीलिंग दे चीटेड, लाइक जो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, मतलब इतने बड़े वादे किए जो पूरा नहीं किया, लोग कहीं ना कहीं से जो है एक विश्वास जो है उनमें थोड़ी कमी है। लेकिन हाँ, लोगों में जो है, मैं जाता हूँ पब्लिक मीटिंग्स में, तो गुस्सा बहुत है। आप अभी चलोगे तो आप देखिएगा लोगों में बहुत ही नाराज़गी है, ख़ास तौर पे जो किसान हैं, जो यूथ है। आप देखिए, कम से कम जो है देश में जो वादा किया था मोदी जी ने देश को, हाँ, कि वो हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, दैट मीन्स एवरी 5 ईयर्स अराउंड 10 करोड़। लेकिन डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें 3.5 करोड़ नौकरियां जिसको रोज़गार था वो छीन लिया। 2018 के जो सर्वे में एक आया कि 1.5 करोड़ लोगों ने अपने रोज़गार को गंवाने का काम किया। टोटल 5 करोड़ ये और 10 करोड़ जो वादा, यानी 15 करोड़ रोज़गार जो है मोदी जी खा गए। तो ये जो नाराज़गी है लोगों को, किसान जो हैं बड़े परेशान हैं, और अपना देश आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है, इसमें ना उनका आय दुगुना हुआ जो उन्होंने वादा किया था, ना उनका कर्ज माफ़ी हुआ, तो लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। असेंबली इलेक्शन में जब आया था, आपके पिताजी अकेले ही समा बांध देते थे, हाँ, अब वो पूरी पार्टी चलाना, लोगों को एंटरटेन करना, माहौल बना के रखना, कैंपेन करना, वो तो अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। नहीं, नहीं, आप चलोगे तो थोड़ा देखिए, जो लोग हैं अपने साथ वो खड़े हैं, बल्कि और एड ऑन भी हुए हैं। लोग जान रहे हैं कि लालू जी के साथ इनजस्टिस हुआ, तो वो जो अग्रेशन जो है लोगों का, जो गुस्सा है, जो वो देख रहे हैं कि लालू जी के साथ नाइंसाफी की जा रही है, तो वो लोगों में आपको नजर आएगा। तो ये आपके पिता का पसंदीदा इलाका है, हाँ, यहाँ पे वो हर दफा लेके आते हैं। ये गौशाला है, हाँ, और सुबह शाम पिताजी जरूर आकर के, आप आते होंगे यहाँ पे? हम कभी कभी, मम्मी आती है देखने, आपका इंटरेस्ट नहीं है गाय में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आते कभी कभी, व्हेन आई वॉक देन आई वॉक थ्रू दिस ऑल्सो, क्योंकि आप यादव लीडर हो। हाँ। यादवों का गाय से बहुत लंबा, बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ। लेकिन आप दिल्ली के लड़के हो? अरे नहीं नहीं, नहीं? आपका है उस तरह का रिश्ता कि नहीं? नहीं नहीं, एकदम है। गाय का दूध निकालना जानते हो कि नहीं? एकदम एकदम, अभी से नहीं, बचपन से। लेकिन वो थोड़ा सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सच बोल रहे, कभी कभी थोड़ा डर ये रहता है, बट आई वॉन्ट समवन टू बी देयर, क्योंकि जब दूध निकालने के टाइम में पैर मारते हैं, कभी लात नहीं पड़ी है, बांधना पड़ता है पैर इनके बांध करके, फिर वो निकाला जाता है। गाय को देखे, हम देख रहे हैं कि खूब पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, क्योंकि काउ स्लॉटर को बैन किया गया है, इसलिए लोग अब गाय को छोड़ रहे हैं। बैन किया गया है मोदी जी के समय में, सबसे ज्यादा जो है जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो बात है, सबसे ज्यादा मीट इन्हीं के कार्यकाल में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है ये तो वो बताए ना। ये देखिए, ये कॉमनलाइज करने का बीजेपी का पुराना एजेंडा है। आप देखिएगा, दे हैव बीन ट्राइंग सो मच, लेकिन वो किसी चीज़ में फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग जो हैं अब जागरूक हो गए, अब समझ रहे हैं कि अब धर्म के नाम पर अब उनको नहीं बांटा जा सकता। हाँ। अब देखिए ना, कितनी गंदी बात है कि कई बार हम लोगों ने इंसिडेंट देखा, जो इधर से उधर जो आप गाय को खरीदते हो, ले जाते हो, हाँ, अगर कोई मुसलमान अगर ले भी जाता है तो उसको पकड़ के पीट दिया जाता है। हाँ। तो इस तरह का माहौल देश में है, जो कि मेरे ख्याल से देश के हित के लिए नहीं है। आपके हिसाब से 2019 के चुनाव के सबसे बड़े, सबसे अहम मुद्दे कौन से? देखिए, संविधान को बचाना, देश को बचाना, आरक्षण जो हमारा खतरे में है। कहाँ खतरे में है, ये तो ऐसे ही आप बोलते हैं। 13 रोस्टर क्या है? हाँ। 13 रोस्टर जो OBC जो प्रोफेसर जितने हैं, हाँ, उनको तो बाहर निकालने की साजिश हो गई थी। हाँ। और अगर भारत बंद नहीं होता तो शायद ये भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज भी आप देखेंगे पंकजा मुंडे बार बार कह रही है संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। हाँ। इससे पहले हेगड़े जो थे कर्नाटक वाले बीजेपी, हाँ, दे हैड सेड कि बीजेपी आई ये तो संविधान बदलेगी। तो आप देखिए ना, प्रधानमंत्री या और कोई बीजेपी का नेता ने उनका काउंटर किया कि नहीं किया? हाँ। नहीं किया, चुप है। नहीं, पर जैसे और ये देखिए, दे हैव अ हिडन एजेंडा ना। हाँ।
उनका तो आरएसएस जो नागपुरिया जो कानून है अल्टीमेटली वो लागू करना चाहते हैं, उनका तो देश के संविधान पे कोई विश्वास नहीं। ये लोग तो वो हैं सत्ता में बैठे हुए जो अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने का काम करता है, काली पोतने का काम करते हैं। क्यों वो अंबेडकर के बारे में वो आप कुछ भी करें डिफेंस करते हैं, जाके मूर्ति के सामने नमन करते हैं। आप एक बात समझिए, मोदी जी की जितनी राजनीति है वो बनावटी दिखावटी और मिलावटी है, और मोदी जी जो है झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उनका कथनी और करनी में भारी अंतर है। पर आप ये मानेंगे कि इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता वही हैं, जितनी उनकी लोकप्रियता है उतनी हाल के भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी दूसरे की रही नहीं है। अब ये मैं नहीं कह सकता और इस पर मैं विश्वास भी नहीं करना चाहता कि आज तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला। किया क्या है, जुमलेबाजी के अलावा मोदी जी ने क्या किया है? तेजस्वी जी, जब आप बड़े हो रहे थे क्रिकेट खेलने का आपको खूब शौक था? काफी बचपन में। आज इसी तरीके से रोड पे ही जो मिल जाता था या पार्टी वर्कर्स वगैरह कोई आते थे या जो भी आता था उनको इन्वॉल्व कर लेते थे हम लोग। तो आजकल मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का? नहीं, अभी कहाँ मौका मिल रहा है, बट मिल जाएगा, हो जाए तो हाथ देखें कि दिल्ली डेडेविल्स के तेजस्वी यादव की क्रिकेट शॉट अभी भी है कि नहीं है? एकदम है। काफी सारे आपके पार्टी वर्कर अभी भी यहाँ पे हैं। नहीं, काफी बैट लाइए। तो आप किस तरह की बैटिंग करते थे, एक्सप्लोसिव एकदम वीरेंद्र सहवाग टाइप के या मजरे करते? आई यूज्ड टू बी अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अच्छा। और सेकंड डाउन आई यूज्ड टू बैट और काफी डिपेंडेंट होता है। आई यूज्ड टू बी अ गुड फिनिशर ऑफ द गेम। तो मतलब कोहली वाला जो रोल है वैसा? स्ट्राइक रेट वगैरह काफी अच्छा था। कोहली इज अ वेरी क्लासिक बैट्समैन। आई यूज्ड टू बी लिटिल एग्रेसिव। आई यूज्ड टू बी विद हिम। हम लोग ने कई दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में? दिल्ली डेयरडेविल्स में बचपन से। अच्छा। वी स्टार्टेड क्रिकेट प्लेइंग टुगेदर। अच्छा। ही प्लेड अंडर माय कैप्टेंसी आल्सो। आपने कोहली की कप्तानी की हुई है? हाँ। कहाँ पे? दिल्ली अंडर 15, अंडर 17। और यू वर द कैप्टन ऑफ द टीम और कोहली आपकी टीम में? दिल्ली वाज द चैंपियन आफ्टर 35 इयर्स। चलिए आइए देखते हैं कितने अग्रेसिव बैट्समैन हैं अभी आप। पकड़ो। तो आप शीशे वीशे तोड़ते थे लालू जी के घर के बचपन में? नहीं, काफी तोड़े हैं। ओ बाप रे बाप। तो आपको कभी लगा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर ही बन जाना चाहिए पॉलिटिशियन की जगह? एकदम लगा, शुरू से लगा। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग कि मैं इसी लाइन में फील्ड में जाऊंगा, क्रिकेटर ही बनना था। एकदम। आई आल्सो वांटेड टू रिप्रेजेंट कंट्री। अच्छा। हा? तो फिर क्रिकेट छोड़ के आपने पॉलिटिक्स क्यों पकड़ी? मेरे दोनों एंकल जो है, लिगामेंट जो है, वो प्रॉब्लम में था और घर में भी पॉलिटिकली भी ऐसी सिचुएशन बनी कि पिताजी के साथ नाइंसाफी होने लगे तो आई हैव टू बी देयर, उनके साथ खड़ा रहना था। आजकल आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन चल रहा है? अभी तो सारे अच्छे हैं, जितने न्यू कमर्स हैं। अब तो काफी कम मौका मिलता है मैचेस भी देखने तो का। आईपीएल देखने का मौका लग रहा है? अच्छा, पॉलिटिकल लीग में ही इंटरेस्ट है? नहीं, आईपीएल बहुत कम मौका मिलता है। शाम में कभी आया तो देख लिया, अगर चल रहा हो टीवी पे तो। चलिए तेजस्वी जी, लास्ट शॉट। आप सोचिए कि एकदम अमित शाह या मोदी बॉलिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। अरे मानना पड़ेगा कि पिंच हिटिंग तो आपकी अभी भी बरकरार है। नहीं, काफी जबरदस्त शॉट मार रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी बैटिंग की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है? अभी है, काफी है, बट मिस करते हैं आप क्रिकेट को? नहीं, जरूर। राबड़ी जी बैठिए, नमस्ते। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी भी तेजस्वी, लग रहा है कि पार्टी मजबूत बैट्समैन के पास है। इससे पहले कई दफा हम लालू जी के साथ गए कैंपेनिंग पे, पहली दफा आपके बेटे के साथ जा रहे हैं। कैसी तुलना करती हैं आप पिता और बेटे की? नहीं, पिता और बेटा में बेजोड़ है दोनों। बेहतर कैंपेनर कौन है? बेहतर लालू जी थे, उसका बढ़ चढ़ के तेजस्वी भी है। लेकिन मैंने देखा लालू जी के साथ जब मैं जाता था, 9-9, 10-10 रैली करते थे एक दिन में, जो पत्रकार था उसी के पसीने छूट जाते थे। 14-14, 15-15 लास्ट में वो करते थे प्रोग्राम लालू जी। आई धीरे धीरे ही अपना बनेगी। कैसा चल रहा है इस बार का कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है इसका, तेजस्वी का। आपको लग रहा है कि महागठबंधन मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? जरूर देगा, बिहार के जनता और देश के जनता टक्कर देगा जरूर। इस दफा इस चुनाव में शुरुआत में तो यही चल रहा था कि आपके जो लड़के हैं आपस में इनका झमेला चल रहा है, लड़ाई चल रही है, अब सब सुलझ गया कि नहीं? सब सुलझा हुआ है, मीडिया में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लोग दिखाते हैं, न तो बेटा सा कोई अलग थोड़ी है,
बेटा माँ से पिता से भाई से थोड़ी अलग, एकजुट हम लोग हैं, बात डेली होवे करता है। जन्मदिन 16 तारीख का था, 16 अप्रैल का था, हम लोग सब कोई गया मिलने के लिए, केक को काट के खिलाए सब। लालू जी से आपकी बात हो रही होगी, कैसे कैंपेन को गाइड कर पा रहे हैं? इधर बात नहीं होता, बहुत कड़ाई बात नहीं है, नहीं करने देते ना। जब बेटा गया तेजस्वी मिलने के लिए तो मिलने नहीं दिया था, अगला सनी ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा था कि जेल में बैठ के कैंपेन को गाइड कर रहे हैं। सब जितना है सब अफवाह है, गलत है। विरोधी लोग तो कहबे करेगा, विरोधी के काम है ही उछलना, कोई के आरोप लगा देना, उनका वही कहानी है। हाल ही में किताब आई लालू जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्लान चल रहा था कि आरजेडी का और जेडीयू का विलय हो जाए, ये सच में है या किताब को ही ऐसे किताब की टीआरपी बढ़? सच है, हम भी सच बोलते हैं, हमारा सामने की बात है। क्या हुआ आपके सामने? हमारा सामने लालू जी का यही लोग समझा रहे थे प्रशांत किशोर जी कि देखिए ऐसे ऐसे करिए, नीतीश जी को पहले घोषणा प्रधानमंत्री के घोषणा कर दीजिए, हम लोग पार्टी को विलय कर लेंगे, और बाद 2020 आएगा ना चुनाव तो तेजस्वी का हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश जी को पीएम बनाएंगे, ऐसा चाह रहे थे? हाँ, ऐसा नीतीश जी का कहना है कि हमको घोषणा करिए। ये प्रपोजल जो था पहले यहाँ आने का था, और विलय की जो बात है वो कांग्रेस से था। जब यहाँ बात नहीं बनी तो कांग्रेस को उन लोगों ने चारा फेरा शुरू किया कि कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे, लेकिन आरजेडी को बोलो कि जब इस्तीफा देंगे तो समर्थन जो है ट्रस्ट वोट के समय आरजेडी और कांग्रेस करे, और उसके 10 दिन बाद जो है हम कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। तो आप देखिए ना, कोई क्रेडिबिलिटी है क्या नीतीश जी की? कोई भरोसा तो करता नहीं है उन पर। बिहार की जनता इंतजार कर रही है आपका, सभा में धूप भी बढ़ रही है, तो हम जाते हैं, तो आशीर्वाद लेते हैं अपनी मम्मी का जाने से पहले? हमेशा रहता है आशीर्वाद। अच्छा, चलिए आइए, शुक्रिया राबड़ी जी। लालू जी भारत की राजनीति के एक बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है एकदम, मतलब उनके देखिए लालू जी एक नाम नहीं, एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार है, और लालू जी को मानने वाले लोग बहुत हैं। आपको कभी लगता है कि जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जो लालू जी के साथ बड़े हुए, और आपको पहले से भी हम लोग घूम रहे हैं बिहार में, लगभग हम लोग 3-4 दौरा कर चुके हैं बिहार का पहले से भी, तो ऐसा नहीं कि मेरा प्रेजेंस जो है अचानक से आ गया नहीं, पर जो ओल्ड जनरेशन है आरजेडी का, वो आपको सीरियसली लेता है, गंभीरता से लेता एकदम, है एकदम एकदम। आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि आप उनके बेटे की उम्र की हो, उनको अब समझाना कि क्या वो बोलेगा, ये क्या मुझे बताएगा बिहार की उम्र कोई मायने नहीं रखता। पार्टी में लोगों ने विश्वास किया मेरे पे और आगे किया, और अभी भी देखिएगा ना, लोगों में जो प्यार मोहब्बत जो मिल रही है, आप लोगों के साथ खड़े रहोगे तभी मिलेगी, नहीं तो कितने ऐसे पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मौका मेरे को ही दिया गया, काफी आप बताओ ना, चीफ मिनिस्टर तो हमने चाचा को बनाया ना, ज्यादा सीटें आने के वक्त भी चाहते हैं तो बन सकते थे, आप बन सकते थे, क्यों नहीं बन सकते थे, ज्यादा सीटें। नीतीश जी आपके डेप्यूटी थोड़ी ना बनते, नीतीश जी क्यों जरूरी था कोई बनना, 15 साल तो रह ही लिए थे। पटना की मीडिया क्या आपको उतना ही पसंद करती है जितने पिताजी आपके चाहते थे? नहीं नहीं, एकदम एकदम, मीडिया के लोग काफी। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार कैसी चल रही है आपकी जोड़ी आरजेडी और तेजस्वी? फर्स्ट क्लास, दोनों एक सिक्के के दो पहिए के रूप में काम कर रहे हैं हम लोग। फायदा पहुंचा पा रहे हैं गठबंधन को? मुझे याद है अमित शाह जी ने आपको बहुत तरजीह दी थी, बहुत सीटें भी दी, एंड में उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, बाद में परेशान कर रहे थे, कहते माजी जी ने एकदम डुबा दिया। फायदा तो उनको यह हुआ है कि आज भी उनके 22 MLA कहते हैं कि साहब आप मेरे क्षेत्र में नहीं जाते तो चुनाव हम हार जाते। बीजेपी जेडीयू का कास्ट अलायंस काफी मजबूत है? देखिए, कास्ट अलायंस करके तो 71 वर्ष की राजनीति में अभी हम लोगों को हाशिए पर लोग रख दिया, और हमारे गरीब तबके के जितने भी लोग हैं अब कास्ट से ऊपर हट करके एक सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में तो अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं। अब यही पोलराइजेशन हुआ है जिसका अभी आप देख सकते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहा जाता था किसी का पुश्तैनी चीज़ है, और वहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसा छोटा कार्यकर्ता को सामाजिक न्याय के आधार पर दिया, आज चुनाव हम लोगों से काफ़ी वोट से जीत रहा है वो। तेजस्वी जी, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा सीटें दे दी आपने अलाई इसको, बहुत ज्यादा दरिया दिली कर। नहीं, मान सम्मान देने में क्या दिक्कत है, मैं सीटों की बात कर रहा हूँ। अरे देखिए, सीटें कहाँ दी, सीटें तो हम लोगों ने विधानसभा में नीतीश जी को बराबर का दिया था, 101 सीटें, जो कि वो उसके काबिल नहीं थे, हकदार नहीं थे,
और यहाँ तो जो जो जायज था सबको मान सम्मान और सब लोगों को अकोमोडेट किया है, और ज्यादा हम दे या कम दे हम अपना दे रहे हैं, और जो जिसका बनता था वहां हमने दिया है। चलिए आपका पायलट अब तैयार है, ऑल द बेस्ट माजी जी। तेजस्वी जी ये बताएं, अगर आपको सीएम बनने का मौका मिला बिहार के लिए आपका विजन क्या है? देखिए डेवलपमेंट ऑल अराउंड होना चाहिए, बेसिक नीड्स तो बिहार में अभी भी फुलफिल नहीं, लेकिन बेसिक नीड्स के अलावा भी बिहार में इतना बड़ा टूरिज्म का स्कोप है। महावीर, बौद्ध, सीता जी की जन्मभूमि रही है, कई ऐसी जगह हैं जहां आप टूरिज्म को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, जो कि आज तक बिहार में अब तक हुआ नहीं। स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी लोग जो है यहाँ प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं, बट आप देखिएगा वो स्टेट से नहीं खेल पाते, उनको बाहर जाना पड़ता है। हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, दीज ऑल आर आप कह सकते हैं बेसिक नीड्स जो है वो है। बिहार में इंडस्ट्री लाना किसी भी लीडर के लिए प्रॉब्लम रही है, आपके हिसाब से क्यों नहीं आती और आप क्या करेंगे? जब हम लोग अभी गवर्नमेंट में थे तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई थी, सिंगल विंडो भी हम लोगों ने जो है पॉलिसी लाने का काम किया, ताकि भटकना ना पड़े लोगों को, और जितना रियायत दे सकते हैं हम लोग उतना हर चीज़ों में हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है। आम लोगों में तो राय ये है ना कि जब आरजेडी थी तब गुंडागर्दी ज़्यादा थी, दबंगाई ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा करप्शन कम है और लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे से परसेप्शन जो है चंद लोगों का ये है, ये क्रिएटेड है। अगर आप किस पे विश्वास करोगे, डाटा पे विश्वास करोगे? हम तो कह रहे हैं डाटा मिला लो, क्राइम रिकॉर्ड का इशू एनालाइज होना डाटा, ऐसे ही रैंडमली कौन क्या के उस पर नहीं जाना चाहिए। मोदी जी ने वादा किया था ना कि रोजगार देंगे, क्या एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार मिला 15-15 लाख रुपया आया। आप बताइए, आप रोजगार मांगने जाते तो मोदी जी क्या बोलते हैं कि पकौड़ा छानो, है ना? भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, सारी जिंदाबाद। इसके लिए तैयारी आपको करना है, आपको ताकत देना है खूब मजबूती से इस बार, और गलती से भी कहीं दूसरे को वोट मत देना। दिल्ली पर कब्जा करने जा रहे हैं, जैसे रेल को शैम्पू जैसा साफ करके चमका दिया वैसे बिहार को चमकाने जा रहे हैं हम पूरा। तेजस्वी जी भाषण सुना हमने आपका, अच्छा लगता है कि पिताजी की थोड़ी सी आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्लेवर नहीं रहा है। अब है तो उन्हीं के बेटे, और लोगों को कम्युनिकेट करना जो है हम लोगों का फर्ज है। यूथ की बात करें तेजस्वी जी, तो ये सवाल उठ रहा है कि इस बार बिहार में एक युवा कैंडिडेट कन्हैया कुमार के रूप में खड़ा है, लोग आपसे उम्मीद कर रहे थे, खासतौर से जो लिबरल ऑडियंस है वो उम्मीद कर रही थी कि आप आरजेडी के नेता होने के तौर पर ये सीट कन्हैया के लिए सीपीआई के लिए खाली छोड़ देते, क्यों नहीं किया? आप देखिएगा जो सीपीआई जो पार्टी है वो एक जात की और एक जिले की पार्टी बनकर के रह गई है, और जहां तक बात अगर आप देखिएगा कि बहुत कम ऐसे सीटें हैं जहां हम मुसलमानों को दे सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान की अगर आप देख लो तो बहुत कम सीटें होंगी, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन। तो लोगों को लग रहा था कि अगर कन्हैया जाएगा कहीं तेजस्वी जो कि खुद एक युवा नेता है बिहार का
उसमें ये फीलिंग ना हो कि कन्हैया मुझे ओवरशैडो कर दे, अच्छा बोलता है, लोगों की भावना भी उससे जुड़ी हुई है, आगे निकल जाता आपसे, ऐसी चिंता। देखिए जिसको आगे निकलना है वो सिर्फ एमपी बनकर के तो नहीं निकलेगा, है ना, और किसी को भी आने तो हमको क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं। देखिए लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चुनाव लड़ेंगे लोग, उसमें क्या दिक्कत है। मोदी के खिलाफ बोलने वाला एक लोकसभा में होता, यानी आप अज्यूम कर रहे हैं कि मोदी जी जो आएंगे क्या दोबारा, हम तो नहीं चाह रहे और हमको तो नहीं लगता कि मोदी जी दोबारा आएंगे। अच्छा मैं देख रहा था तेजस्वी जी, जी आपकी सभाओं में काफी सारी यंग लड़कियां आ रही थी आपकी सभा सुनने के लिए, तो काफी क्रेज है यहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग। लड़कियों के अलावा नौजवान आप देखेंगे बड़ी तादाद में, महिला भी आई हुई, बुजुर्ग लोग भी थे, तो ऑल टाइप ऑफ लाइक सेक्शन जितने हैं सब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर ये कहना कि इस वक्त तेजस्वी यादव इज बिहार मोस्ट एलिजिबल बैचलर, अच्छा तो सही आपको लगता है? अरे बेको तो लग रहा है यही पे चर्चा ही ऐसी है। नहीं चिराग पासवान है ना हमारे बड़े भाई, ज्यादा एलिजिबल बैचलर कौन है आप? चाह कि जल्दी उनकी शादी हो जाए तो मेरा भी हो जाएगा, घर में कहने को तो होगा ना कि देखो अब चिराग का भी हो गया अब मेरा भी करा दो शादी। नहीं मुझे बताइए आपकी नजर में मोस्ट एलिजिबल बैचलर कौन हुआ, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? इतना हमने देखते चिराग ही जी होंगे। अच्छा एक्टिंग वैक्टिंग की है हम लोग तो क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेले ना, एक्टिंग करना थोड़ा लुक्स वुक्स पे ध्यान देना, लेकिन अब तो पॉलिटिकल फील्ड में आने के बाद ये मौका उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ एवरी वन शुड मेक इट इन देयर रूटीन और अकोमोडेट करना चाहिए फिटनेस को लेकर। कोशिश मेरी है कि रिजल्ट अच्छा हो, माहौल अब घूमने पे लग रहा है कि माहौल अच्छा है, तो माहौल अच्छा है तो शादी भी हो जाएगी। ये बताइए पहले आए तो थे कुछ चाट तो आ गया, हाँ लाइए लाइए मुकेश चाट भंडार, उनको तो क्या खिला रहे बताइए तो सही। एक काबली चना है, समोसा है, इस पर बताओ क्या क्या डाले हो? काबली चना सर, समोसा को इस पर। नहीं तो ये बताइए बॉस के वोटर हैं कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि चाट इनको खिला रहे वोट कहीं और देने का? हाँ वो शर्मा रहे अभी, वो आधे मन में कि ऐसा बोल रहा है कि वैसा बोल रहा है, वो कुछ बोला नहीं तेजस्वी जी। अब बताइए ना बोले बचपन ऐसे और कितने नौजवान होंगे जिनको ठेला में चाट बेचना पड़ेगा और पकौड़ा छानना पड़ेगा डिग्री लेकर भी, उन नौजवानों के बारे में सोचिए। तो आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आप देखिए ना 22 लाख नौकरियां भारत सरकार में भी देखते हैं वो क्यों नहीं भरी गई, और ऐसा किया जा रहा है कि प्राइवेट के हाथों में दे दिया जा रहा है, तो सरकारी चीज़ें खत्म करके अगर प्राइवेट के हाथों में दोगे तो नौकरियां तो खत्म होंगी सरकारी नौकरियां। मोदी जी और अमित शाह जो है वो 24/7 पॉलिटिशियंस हैं, क्या तेजस्वी यादव 24/7 पॉलिटिशियन है? जब आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते आप क्या कर रहे हैं? अभी तो दिन भर पॉलिटिक्स में ही हम लोग 24 घंटे, और दूसरा कोई काम तो है नहीं हम लोगों का। कुछ तो शौक होंगे आपके पॉलिटिक्स से बाहर? नहीं नहीं कोई शौक नहीं, अभी कोई चीज़ हम नहीं करते सिवाय पार्टी में ध्यान देने के। आपके पिताजी भी यहीं पे आके रुकते थे जू के सामने, दिन भर प्रचार करते थे यहीं पे आके रुकते थे। यहाँ जूस वगैरह भी पीना होता है तो हम लोग आके पी लेते हैं, और यहाँ अभी से नहीं बचपन से हम लोगों का आना जाना है। अगर मन किया अगर व्यस्तता है बाहर नहीं आ सकते हैं तो चाट वाले को हम लोग बुला लेते घर पे, घर बुला लेते घर बुलाते। चलिए तेजस्वी यादव जी आप दिन भर हमारे साथ रहे ना, ना। आपने अपने प्रचार को आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको था हम लोगों को दिखाया, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, नाइस मीटिंग, थैंक यू।